अब हम लोग देखेंगे कि ये संधियां जो होती है उनके अंदर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये यहां पर गलत है लिखा है, इसको बोल सकते हैं सिम आर्थ्रोसिस, इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको बोल सकते हैं सिन SYN SYN ARTHROSIS, आर्थ्रोसिस मतलब ज्वाइंट, सिन मतलब जुड़ा हुआ। जब जुड़ा हुआ संधि रहेगा तो वो क्या रहेगा, इमूवेबल, वो मुड़ नहीं पाएगा, वो ऐसा बैंड नहीं हो पाएगा संधि। तो एक ऐसा संधियाँ होती है जो मुड़ नहीं पाती है, तो हम लोग बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस, SYN ARTHROSIS, सिन आर्थ्रोसिस। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा एम्फी आर्थ्रोसिस, क्या होता है एम्फी आर्थ्रोसिस, जो एम्फी मतलब थोड़ा सा, आर्थ्रोसिस मतलब मुड़ सकता है, जो थोड़ा सा मुड़ सकता है वो होता है स्लाइटली मूवेबल एम्फी आर्थ्रोसिस। डाई मतलब होता है फ्री, आर्थ्रोसिस मतलब मुड़ना, जो पूरा का पूरा मुड़ सकता है उसको मिल सकता है डाई आर्थ्रोसिस। अब डाई ये शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फ्री, फ्रीली। इसका एक आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जब हमको होता है डायरिया, डायरिया शब्द के अंदर डाई प्लस रिया ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है हमारा डायरिया, तो डाई का मतलब होता है फ्रीली, रिया का मतलब होता है सिक्रीट होना, फ्रीली सिक्रीटिंग। जब हमारा जो हमको जब जुलाब होता है, जब डायरिया चालू होता है, तो जो वाटर होता है वो फ्रीली हमारा क्या होता है रिलीज होता रहता है, सीक्रेट होता रहता है हमारे इंटेस्टाइन से बाहर। तो इस वाले मीनिंग के, इस वाले जो डाई है ये यहाँ पर यही बता रहा है कि वाटर जो है वो रिटेन नहीं हो रहा है, वो अपने आप फ्रीली मूव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसका यही मीनिंग है डाई आर्थ्रोसिस के अंदर, डाई मतलब होता है फ्रीली, आर्थ्रोसिस मतलब मुड़ना, जो भी ज्वाइंट्स फ्रीली मूवेबल हो सकते हैं, जैसे ये मेरा रिस्ट ज्वाइंट है ये फ्रीली मूवेबल है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये डाई आर्थ्रोसिस टाइप ऑफ ज्वाइंट है। आपको समझ में आ गया ये ज्वाइंट्स के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल वाइज बोलूं कि सिन आर्थ्रोसिस का एग्जांपल क्या है, हमारे स्कल के अंदर जो सूचर्स है, सूचर्स के अंदर आपने देखा रहेगा कि मूवमेंट्स जो रहता है वो ना के बराबर होता है। कभी आप देखते हो क्या कि जो फ्रंटल है पैराइटल है उसके बीच का जो जॉइंट है वो मूव हो रहा है और आपके जो ब्रेन का जो स्कल का शेप है वो चेंज हो रहा है, नहीं होता है, वो इमूवेबल है, वो कभी मूव नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसको सूचर्स को इमूवेबल बोल सकते हैं, सूचर्स ऑफ स्कल। एम्फी आर्थ्रोसिस ऐसे बोल सकता है जो स्लाइटली मूवेबल है, जैसे हमारे स्टर्नम वगैरह में जो जॉइंट्स है ये क्या है फ्रीली मूवेबल तो नहीं है लेकिन स्लाइटली मूव होता है। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, जब हमारे हिप बोन लेफ्ट और राइट साइड का हिप बोन आके जब मिलता है प्यूबिस वाला पार्ट उसका, तो वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, तो वो जो जॉइंट है वो भी स्लाइटली मूवेबल होता है, जिसके वजह से डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बेबी को देता है और डिलीवरी होता है। तो इस हिसाब से जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो टाइप ऑफ जॉइंट है जो थोड़ा थोड़ा ही मूव होते, हम लोग उस सारे जॉइंट को एम्फी आर्थ्रोसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो सारे जॉइंट्स जैसे रिस्ट, एल्बो, शोल्डर और लेग के लोअर लिम के अंदर हम लोग बोल सकते हैं हिप, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सारे क्या है हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जिनको हम लोग डाई आर्थ्रोसिस बोल सकते हैं। तो डाई का मतलब आप सबको पता चल गया, डाई मतलब होता है फ्रीली।